आज ही के दिन 1946 में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना हुई थी। वर्षों से यूनिसेफ विश्व भर में बच्चों के हितों के लिए काम कर रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने एक अंतर्राष्ट्रीय बाल राहत कोष बनाने का निर्णय लिया। कई वर्षों तक यूनिसेफ ने विश्व भर में युद्ध की त्रासदियों से प्रभावित देशों के बच्चों को राहत पहुंचाने का काम किया। 1970 आते आते यह बाल अधिकारों की वकालत करने वाली एक बुलंद आवाज बन गई। 1980 के दशक में यूनिसेफ ने मानव अधिकारों के यूएन कमीशन की बाल अधिकारों का मसौदा तैयार करने में काफी मदद की। 1989 में इस मसौदे के स्वीकार किए जाने के साथ ही बाल अधिकारों के क्षेत्र में यह एक ऐतिहासिक कदम साबित हुआ। संयुक्त राष्ट्र के 184 सदस्य देशों में से केवल सोमालिया और अमेरिका ही ऐसे देश थे जिन्होंने अपने यहाँ इन समझौते को स्वीकार नहीं किया। सोमालिया में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता वाली सरकार नहीं है। दूसरी ओर अमेरिका ने इसमें प्रस्तावित बदलावों को स्वीकार इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका मानना था कि इससे उनकी राष्ट्रीय प्रभुता और बच्चों और अभिभावकों के संबंधों पर असर पड़ेगा। वर्तमान में यूनिसेफ की कार्यकारिणी को 5 प्राथमिकताओं पर केंद्रित किया गया है, जिनमें बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, बिना लिंग भेदभाव की सामान्यता, बच्चों का हिंसा से बचाव व शोषण से बचाव, बाल श्रम के विरोध में HIV/AIDS और बच्चों के अधिकार के लिए वैधानिक संघर्ष का काम देखते हैं। कोरोना काल के इस दौर में विश्व कोष दिवस पर हम सभी लोग बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, पोषक भोजन, बाल श्रम को दूर करना, उनके संवैधानिक अधिकार, अप्राकृतिक कृत्य रोकना और उनकी शिक्षा पर ध्यान देने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि आज जब बच्चा स्वस्थ और पोषक होगा तो ही वह एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।